सो गाइस अभी हमारे पास एक फ़ोन आया है Redmi Note 9 Pro Max और इसके अंदर अभी पासवर्ड FRP लॉक है, तो उसको अनलॉक करेंगे। सबसे पहले आपको वैल्यूम अप बटन और पावर बटन एक साथ दबाना है और आप ऐसा करोगे तो इस तरह का फंक्शन खुलने वाला है। तो इसमें आपको कनेक्ट टू MI असिस्टेंट में आपको चले जाना है। तो यहाँ पे वैल्यूम डाउन बटन दबाना है और यहाँ पे कनेक्ट टू EMI असिस्टेंट पे आके फिर से एक बार पावर बटन दबा दोगे तो इस प्रकार का लोगो आ जाएगा। इसको चालू करने के लिए फ़ोन को स्विच ऑफ करके रखना है और स्विच ऑफ करने के बाद से आपको वैल्यूम अप बटन और पावर बटन दोनों को एक साथ दबा के रहोगे तो ये फंक्शन खुलेगा। और अगर आप वैल्यूम डाउन बटन दबा देते हो, वैल्यूम डाउन और पावर बटन, तो फास्ट बूट मोड खुल जाता है, लेकिन हमको रिकवरी मोड खोलना है और इसी में EMI असिस्टेंट होता है, तो हमको वैल्यूम अप बटन और पावर बटन एक साथ दबा के रखना है। और अब हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे इसको FRP पासवर्ड अनलॉक करना है। आप नॉर्मली आप ईडीएल मोड से नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक करना है। एक्चुअली वीडियो में अच्छे से बना नहीं पाया तो थोड़ी इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ आप करिए, आपका 100% अनलॉक होगा फ़ोन। और जितने भी ऑथ वाले फ़ोन है जिसमें ऑथ क्रेडिट मांगता है 10 क्रेडिट UMT, वो चीज़ आपको यहाँ पे नहीं मंगेगा। तो यहाँ पे देखिए फैक्ट्री रिसेट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे पे, आपको बस इसी पे आपको क्लिक करना है और जैसे क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार का आपको फॉर्मेटिंग डाटा रिबूटिंग डिवाइस डन हो जाएगा। इसके बाद से आपको फ़ोन को खोल लेना है। यहाँ पे वीडियो को थोड़ा मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि जो आपका समय है वो कम से कम लगे और जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा मैं दे पाऊँ, तो इसलिए आपको यहाँ पे प्रोसेस अपनाना है। अब यहाँ पे क्या होगा है कि FRP लॉक इसका अभी अनलॉक नहीं होता है कई बार, तो आपको वहाँ पे क्या करना है मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पे FRP भी नहीं मांगने वाला है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखें। बस एक प्रोसेस आपको अपने हिसाब से करना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आपका FRP भी नहीं मांगेगा। ये Redmi का Note 9 Pro Max फ़ोन है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। जितने भी लेटेस्ट फ़ोन हैं उन सब में ऑथ्स का प्रॉब्लम आता है जिससे आपका ये दिक्कत कर सकता है। तो यहाँ पे अभी फ़ोन थोड़ा सा खुलने में टाइम लेगा, तो आपको थोड़ी देर वेट करना ही है और वेट करने के बाद जैसे ही फ़ोन खुलेगा मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊँगा। ये देखिए आपका फ़ोन खुल गया है। अब आपको थोड़ी सी विजुअलिटी अच्छी से नहीं आ रही होगी मेरे कैमरे की वजह से, ये पहला मेरा ऐसा वीडियो है जिसमें मैं आपको अच्छे से दिखा नहीं पाया हूँ, बट जो जानकारी मैं बता रहा हूँ वैसा वैसा फॉलो करते जाइए। यहाँ पे आपको नॉर्मली सेटअप करते जाना है और सेटअप भी स्किप करके नहीं करना है, सब कुछ नेक्स्ट करके करना है, सेट करके करना है। आप स्किप करोगे तो आपका फ़ोन का FRP बाईपास नहीं होगा। तो सबसे ज़रूरी तो आपको वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है किसी भी, तो यहाँ पे कंट्री वगैरह पहले सबसे नंबर पे आ रहा है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर गोल गोल घूमते रहता है, तो थोड़ा सा हमको यहाँ पे भी वेट करना पड़ेगा। EMT में आपको EMI स्पेशल में चले जाना है। आप देख सकते हैं UMT का QCFIRE मल्टी टूल 8.2 में यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे Xiaomi स्पेशल पे आके यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक किया हूँ EMI असिस्टेंट में जाके। और इसी आप सेम मेथड से आप Redmi का Redmi 7 और Redmi Y3 को भी आप कर सकते हो। जितने भी ऑथ्स वाले फ़ोन हैं सबको आप इसी तरीके से आप कर सकते हो, बहुत ईजी प्रोसेस है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले वाईफाई से कनेक्ट करना है। मैं अपने वाईफाई का पासवर्ड डाल लेता हूँ और वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद स्किप नहीं करना है, आपको नेक्स्ट करना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहीं से आपको आपका जो FRP बाईपास जब हो जाता है तो यहीं से आपको ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद से अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करोगे तो आपका यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा, पासवर्ड और email ID नहीं मांगेगा। यही इसमें एक खास चीज़ लगा मुझे, यहाँ पे पासवर्ड और FRP जो है दोनों बाईपास कर दिया है। तो अभी आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद से यहाँ पे थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ेगा, फ़ोन थोड़ा सा टाइम लेगा खुलने में, और तब जाके आपको यहाँ पे बोलेगा अपना email ID डालने के लिए, या फिर स्किप करके आप उसके भी नेक्स्ट कर सकते हो उसे। तो पहले नंबर पे आपका ईमेल आएगा, उसके बाद पासवर्ड स्किप करने के लिए आएगा, तो दोनों स्किप कर लेता हूँ मैं फटाफट से। और अगर आपको वीडियो इसी प्रकार का अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपको पता ही है कि हमको टाइम नहीं मिल पाता इतनी सारी वीडियो में सब चीज़ बताने का, तो जहाँ मौका मिलता है हम अपना एक तरह से एडवर्टीजमेंट कर देते हैं। तो एडवर्टीजमेंट नहीं कहूँगा, बट आप लोगों को भी थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा, आप लोग अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए। जो आपको ये आपका तो कोई नुकसान होने वाला है नहीं ये सब करने में, सब्सक्राइब वगैरह तो कर लीजिए, क्योंकि ये सब जो ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ तो आपके सिर्फ सब्सक्राइब के लिए ही दे रहा हूँ, ताकि आप लोग हमें थोड़ा सा सपोर्ट करें और हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करें आपको हर तरह की नॉलेज से रूबरू होने के लिए। जितनी भी नॉलेज है, जो भी चीज़ है, जो आपको जानकारी देनी चाहिए, वो मैं चीज़ देने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आपको भी पता चल रहा है YouTube पे कितना रिस्क है ये अनलॉकिंग वीडियो देना, पता नहीं इससे चैनल में रिव्यू में जाएगा कि नहीं, मोनेटाइज होगा कि नहीं, कुछ भी आता पता नहीं है। खैर एनीवे, तो यहाँ पे आपको जो भी हो आपको ये वीडियो हमेशा मिलती रहेगी। तो देखिए यहाँ पे स्किप नेक्स्ट का ऑप्शन आ चुका है, तो आपको वाईफाई से कनेक्ट करके और जैसे स्किप नेक्स्ट करोगे आप, तो ये आपका जो फ़ोन है ये कनेक्टिंग के लिए प्रोग्रेस हो जाएगा। तो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ यही है, आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी अपने फ़ोन का जब आप ये एम आई अकाउंट नहीं FRP वगैरह जो हटा रहे हो, तो आपको यहाँ पे एम आई
जो आपका फ़ोन है इसका FRP जो अनलॉक करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है। और वाईफाई से जब आप कनेक्ट कर लोगे तब आपका ये जो प्रोसेस है ये अलग तरीके से चेंज होता है। स्किप करने से फिर क्या है, आपको पूरा सेटअप करा देगा और फिर लास्ट में आप जब जाओगे तो वहाँ पे फिर से फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आ जाता है स्टार्ट पे, फिर से दोबारा सेटअप करो, तो ऐसे बार बार होते रहता है, तो इसलिए आपको ये चीज़ करना है। अभी आप देख सकते हैं रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स का यहाँ पे आपको सिंबल दिख रहा होगा, ये रेडमी नोट 9 प्रो का ही फ़ोन है। और आप देख सकते हैं अभी फ़ोन खुल चुका है और अभी आपको बस थोड़ा सा और सेटिंग बच गया और यहाँ से अब आपका जो फ़ोन है उसका FRP बाईपास वगैरह हो जाएगा और फ़ोन नॉर्मली खुल जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, अच्छा लगे तो लाइक करिए और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को अगर आप देखते रहना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ये जो वीडियो है ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद है और हमारे लिए भी है। हम भी जब वीडियो बनाते हैं तो हम भी कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए ही देते हैं, और मैं वीडियो में थोड़ी अच्छे से आपको विजुअलिटी नहीं दे पाया हूँ तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन आप इतना भरोसा रखिए वीडियो जो भी है वो एकदम ओरिजिनल है, कोई फेक वीडियो नहीं है।